सरकार के समक्ष 20 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन एक दिवसीय प्रखंड मुख्य कार्यालय में। हमारा सरकारी कर्मचारी घोषित हो, एंड्रॉयड फ़ोन जो हम लोग का क्षतिग्रस्त हो चुका है उसका अवज में दूसरा मोबाइल दिया जाए, और जो 4 घंटे का कार्यकाल की अवधि का जो वेतन मिलता है, मानदेय मिलता है, उसको कम से कम 8 घंटे का लिखित दिया जाए और हम लोगों को 8 घंटे का मानदेय कम से कम मिले, और नहीं तो तब तक जब तक कि हम लोगों का वेतनमान नहीं हो जाता। सेविका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ठीक। उसके बाद यदि सेविका को अभी सरकारी कर्मचारी का नहीं दे रहा दर्जा, तो उसको ग्रेड, सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी का दर्जा दिया जाए, और फिर जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं प्राप्त हो जाता है, तब तक सेविकाओं को 24,000 और सहायिकाओं को 18,000 प्रतिमाह दिया जाए। 20,000 रुपया सभी सेविकाओं को उत्तम क्वालिटी की मोबाइल हेतु उपलब्ध कराया जाए, एवं रिचार्ज का निश्चित पर्याप्त राशि सेविकाओं के अग्रिम वार्षिक भुगतान किया जाए। हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी का 20 सूत्रीय डिमांड सरकार के द्वारा के लिए धरना किए हुए हैं। कब तक धरना? धरना एक दिवसीय है। क्या क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है सरकारी मानदेय जो हम लोग को मिलता है वेतन मान किया जाए, सरकारी कर्मचारी का सी ग्रेड सेविका को और डी ग्रेड सहायिका को बनाया जाए। 2 अक्टूबर 1975 में हम लोग का यह सेवा जारी किया है इंदिरा गांधी ने, तो तब से हम लोग सोचिए कार्यरत हैं, लेकिन सरकार हम लोग पे उतना ध्यान नहीं दे रही है। हर तरह से काम लिया जा रहा है हम लोग से, लेकिन मैंने सरकार मैंने हम लोग को काम तो हर चीज़ करवाती है, मैंने कोई विभाग का काम रहे चाहे वो दिन रहे या रात रहे, किसी भी टाइम में कॉल आता है ये काम आपको पूरा करके देना है, लेकिन उसके अनुसार हम लोग को सरकार जो देना चाहिए एक मजदूरी भी, वो भी हम लोग को नहीं मिलता है। क्या बने हैं ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। हम मानते हैं कि हर वार्ड में 8 से 10 वार्ड खड़े होते हैं, एक ही जीतेंगे। हर मुखिया पंचायत में 8 से 10 खड़े हुए हैं, एक ही की जीत होगी। लेकिन अभी 1 से 2 मंथ नहीं उनका शपथ ग्रहण का हुआ है, वो सारे काम को छोड़ के हर आंगनबाड़ी का जांच करना शुरू कर दिए हैं। किस पंचायत के? हम जगह क्या मांग लेकर धरना? देखिए हम लोग आंगनबाड़ी का 20 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना है। एक बार नहीं कई बार हम लोग धरना दे चुके हैं। हम लोग को सरकार से है कि हम लोग को मानदेय बंद करे, हम लोग को वेतन मान दे। हमें 60 साल की अवधि के बाद जो हमारी रिटायरमेंट हो हमें पेंशन दिया जाए, हमें रिटायरमेंट दिया जाए। एक आज देखिए टीचर का आज का ही पेपर में पढ़े कि 1 से 8 तक की क्लास के टीचर को 22,760 रुपया दिया गया, मतलब कि आज से लागू हुआ है। जबकि स्कूल के टीचर 1500 में और हम लोग 1000 में बाल, उनका वेतन मतलब इतना दिया जा रहा है, उसके अनुसार काम के अनुसार कम से कम हम लोग को 24,000, सहायिका को 18,000 दिया जाए, जब तक कि वेतन मान नहीं किया जा रहा है। सरकार का जितना काम हो रहा है कि COVID-19 का जो 100% गांव में काम हुआ है सब सेविका के द्वारा ही हुआ है। सरकार को लगता है कि हमारे राज्य में अच्छा काम हुआ, केंद्र सरकार को लग रहा है हमारा देश में हर गांव में काम हो रहा है। जहां बच्चा मिलता था छुपा हुआ बच्चा, कैसे उसको बाहर निकलना है, पोलियो को भगाया, उसी तरह हम लोगों ने कोविड में काम किया, क्योंकि कोई भी अगर है तो वो हमारे बच्चे हैं, हमारे समाज के बच्चे हैं, इस भावना से हम लोग काम करते हैं।